आया था, उसके बाद उस बच्चे ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था। तो जिले में इंटरनेट सेवाएं अगले आदेशों तक के लिए बंद करने के आदेश जारी हो चुके हैं। सायला थाना क्षेत्र के सुराना गांव का मामला बताया गया, जहां पर संवेदनशील मामले को लेकर जिला और पुलिस प्रशासन अलर्ट है। छात्र की मौत को लेकर कई संगठन विरोध प्रदर्शन करेंगे। डूंगर सिंह हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। डूंगर, सबसे पहले बात तो ये कि ये ज़हनियत दर्शाती है कि आज जहां पर आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरे देश में मनाया जा रहा है, उसी तरफ दूसरी तरफ ऐसी तस्वीर भी सामने आई जहां पर भेदभाव किया जाता है। एक दलित छात्र के साथ मारपीट की गई, खसूस सिर्फ इतना कि उसने मटके में से पानी पी लिया था। पुलिस की तरफ से क्या कार्यवाही? और दूसरा सवाल ये मेरा कि इंटरनेट सेवाएं जो बंद कर दी गई हैं, पुलिस प्रशासन की तरफ से कितना अलर्ट है अभी? दर्शकों को बताना चाहूंगा, जो कल ये निजी विद्यालय के छात्र की जो मौत का जो मामला हुआ है, अभी इसका शव गुजरात से रात को रवाना हुए हैं। अभी 10 बजे के आसपास यहाँ शव पहुंचेगा सायला, तो उसका पुलिस पोस्टमार्टम कराने की कोशिश करेगी। और मैं बताना चाहूंगा, जो मौके पे जो अभी तनाव की स्थिति बन गई है, कुछ लोग जो संगठन है जो कर रहे हैं, वो लोग वहाँ पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए जो निजी विद्यालय के संचालक है उसको दस्या बंद रात को कर लिया था, और पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और ये जांच का विषय है। पुलिस ने 302 में और SC/ST एक्ट के तहत मामला भी दर्ज कर लिया गया है, लेकिन प्रशासन ने एहतियात बरतते हुए जिले के इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया अगले आदेश के लिए, और मौके पर पुलिस जाब्ता तैनात है। जी ठीक है, बाबा शुक्रिया फिलहाल तक की जानकारी के लिए। जैसे कोई अपडेट होगा हमारे तक जरूर पहुंचाइएगा। तो विरोध प्रदर्शन का सिलसिला जारी रहेगा इसी घटना को लेकर, और पुलिस की तरफ से भी एहतियातन तौर पर इंटरनेट सेवा फिलहाल बंद कर दी है और अलर्ट मोड पे है पुलिस, ताकि किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना घटे। जालौर जिले के अंदर एक निजी विद्यालय के एक शिक्षक के द्वारा दलित बच्चे के साथ इतनी मारपीट करना कि वो इलाज के दौरान उसकी मौत हो जाए, मेरे ख्याल से राजस्थान के अंदर ये पहली घटना है। उसके बावजूद भी राजस्थान की सरकार उसके ऊपर गंभीरता से कार्रवाई नहीं करी। भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि प्रदेश के अंदर इस प्रकार की दूसरी घटना घटित नहीं हो, तत्काल कार्रवाई भी करें और विद्यालय संचालकों के खिलाफ भी कार्रवाई करें, विद्यालय की मान्यता को रद्द करने का काम करें, ताकि एक अनुशासन विद्यालयों के अंदर बना रहे। तो फिलहाल पूरा मामला क्या है ये आपको बता देते हैं। दरअसल जालौर में छुआछूत की बुराई ने एक मासूम की जान ले ली। एक दलित बच्चे को मटके से पानी